हाई एवरी वन वेरी वॉम वेलकम टू लुक गॉजेस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ टुडे इन दिस वीडियो आम ग रिक्रिएट दिस लुक फॉर यू गाइज एंड द लुक इज इंस्पायर्ड बाय आलिया भट्ट जब आलिया भट्ट सोनम पपूर के रिसेप्शन में आई थी एंड शी इज़ लुकिंग एब्सल्यूटली अडोरेबल इन दिस ब्यूटिफुल लाइम ग्रीन लेंगा एंड ब्यूटिफुल मिटालिक ब्राउन स्मोकी आईज एंड न्यू लिप्स सो आई ट्राई टू क्रिएट द लुक इन माई ओन वे मैं उसके जैसे दिखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आई जस्ट क्रिएटेड इट इन माई ओन वे एंड मैं ऐसी ही हूं ऐसी ही दिखती हूँ एंड आई टोटली लव माई सेल्फ बिकॉज वी ऑल शुड लव आर सेल्व तो ये है लुक जो मैंने क्रिएट किया है अगर आप लोगों को पसंद आया है इफ़ यू गेज़ लाइक इट दैन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप ऑल्सो प्लीज़ लीव अ ब्यूटिफुल कमेंट एंड इफ यू आर अ रिटर्निंग सब्सक्राइबर देन वॉम वेलकम एंड इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर देन वेरी वेरी वॉम वेलकम एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ I'm starting my makeup with absolutely clean face, and first I'm applying this Lacme Aqua Aloe Vera Gel just so as to check if this works as a primer or not. And then I'm just applying some orange corrector wherever I have dark patches on my face, like wherever I have darkness on my face.

ग्रीन कलेक्टर से जो भी रेडनेस है फेस का वो छुप जाएगा एंड इट विल गिव मी अ फ्लॉलेस बेस इसको मैं एक दो तो मिनट के लिए सेट होने दूंगी आफ्टर दैट आई एम टेकिंग माई फाउंडेशन हेर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी मूज फाउंडेशन द शेड नंबर जीरो फाइव आई एम डॉटिंग इट ऑल ओवर माई फेस एलैक्मे का जो एलोवेरा जेल है वो अकेला इंडिविजुअली एज अ प्राइमर परफेक्ट नहीं था दैट्स द रीज़न मैंने स्विस ब्यूटी का मूव फाउंडेशन लिया है बिकॉज इट हैज़ फाउंडेशन एज वेल एज प्राइमर इन इट सो दैट अच्छे से ब्लेंड uh, हो जाए मेरे फेस में और अलग से I'm just taking my time to blend the foundation really well into my skin, uh, like on my face, my neck, and the around area of neck. And then I'm taking this Mayon Fixer Liquid Concealer in the shade 02, which is uh, two shades lighter than my skin tone, or one shade lighter than my skin tone, but is having a very nice uh, yellow undertone and it helps in giving me a very illuminated and glowing face. तो जो भी मेरे चेहरे के हाई पॉइंट्स है वहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ साथ के साथ मैंने आईलेट्स पर भी लगाया है सो so दैट मेरी आईलेट्स भी प्राइम अप हो जाए फर्दर uh, जब मुझे अपना स्मोकी आई मेकअप लुक करना है उसके लिए एंड दिस कंसीलर इज़ रियली रियली नाइस आई टोटली लव इट इट गिव्स अ ब्यूटिफुल मैट कवरेज एंड द कलर इज़ सो ब्यूटिफुल दैट इट गिव्स अ ल्यूमिनेटिंग ग्लो टू माई फेस ना टाइम टू ब्लेंड एवरी थिंग अप एंड फॉर देट आई एम गूज़ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जहाँ जहाँ पर मैंने हाईलाइटेड कंसीलर को लगाया है वहीं वहीं पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसको कॉन्टोर एरियाज़ पर शाडो एरियाज़ पर फेस के नहीं लेके जाऊँगी जहाँ जहाँ लगाया है वहीं वहीं पर ब्लेंड करूँगी आलिया भट्ट का फेस बहुत ज़्यादा वाला ग्लो कर रहा था लाइक like, लिटरली बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था तो दिस स्टेप इज़ एक्चुअली एसेंशियल एंड हल्का सा स्लाइट कॉन्टोरिंग फेस को करने के लिए मैं यहाँ पर मार्स का थ्री डी बाम कॉन्टोर स्टिक शेड नंबर थ्री में यूज़ कर रही हूँ और uh, मैंने नोज़ के ब्रिज के साइड्स में लगाया है अपने चीक्स पर मैंने लगाया है जॉ लाइन पर लगाया है जस्ट टू हैव दैट ब्यूटिफुल स्कॉल्परेड फेस बिकॉज आलिया का फेस बहुत ही ज़्यादा पतला सा छोटू सा क्यूट सा है तो उसको मिमिक करने के लिए हल्का सा कॉन्टोरिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ देन यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर नोज़ के साइज़ में जो कॉन्टोर है उससे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ एक्चुअली uh, नीचे भी एक्जैक्टली exactly नहीं बोलेंगे ना ही ऊपर बोलेंगे जहाँ जहाँ पर लाइन्स थी वहीं वहीं पर ब्लेंड कर रही हूँ देन अपने चीक के कॉन्टोर पर ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पर है वहीं पर ब्लेंड कर रही हूँ बहुत एक्स्ट्रीम वाला पूरी तरह से uh, ब्लेंड नहीं करूँगी कि कलर ही ना दिखाई दे बट हाँ अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि सब कुछ इनविजिबल हो जाए एंड देन मेकअप को सेट करने के लिए मैंने न्यू लैकमे का एलो वाला क्या है लूज़ पाउडर लिया है और इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ ऑल्सो इट इट इज़ काइंड लिटल शाइन टू ओवरऑल मेकअप लोग को इल्यूमिनेटेड रखेगा देन मैंने मार्स के फॉर एवर न्यूट पैलेट से हाईलाइटर लिया है बहुत ही सटल सा जेंटल हाईलाइटर है तो ये चीक बोन्स पर ब्रज ऑफ नोज पर और ऐसे मैंने लगाया है देन इसी पैलेट में से मैंने एक पीची पिंकी सा ब्लश लिया है बिकॉज आलिया का थोड़ा पीची पीची सा ब्लश था एंड uh, वही मैंने लिया है और उसे मैं अपने चीक्स पर ब्लश को लगा रही हूँ एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लश द शेड इज सिंपली ब्यूटिफुल एंड वेरी ब्लेंडेबल वेरी मीडियम पिगमेंटेड नॉट एक्सट्रीमली पिंक पिंक इट्स वेरी सटल एंड देन taking the contour shade from the same palette again it's a very subtle shade of contour so i'm just gonna contour up my face a little bit very little bit for this part you can totally take your bronzer as well halkasa face ko bronze up karne ke liye but here i'm using my contour shade only to bronze up my whole face like uh you can see the uh, on the screen only, and then I'm setting up my makeup using this kiss beauty hangover spray. Just so that everything melts up, and so that my makeup is not cakey because like my primer akeela, thickly, work And uh, I'm just taking my beauty blender to take off any excess. नाउ आलिया हैज़ अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ आईब्रो शेप ना ही ज़्यादा आग्ड है ना ही गुलाई में है इट्स अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ आईब्रो शेप जैसे टीन की होती है सो और ब्लैक से कलर की और हल्का सा ब्राउनिश शेड लग रहा था सो फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ माई आई ब्रोज ऑब्वियसली बिकॉज मेरी बहुत ही लाइट है सो फॉर दैट आई एम जस्ट यूजिंग द ब्लैक पेंसिल फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन अगर आपके आईब्रोज हैं यू सिम्पली कैन स्किप दिस स्टेप एंड सिम्पली आप अपना ब्राउन कलर का मैट आई शेडो पाउडर आईब्रो पाउडर या कॉन्ट्रोल पाउडर कुछ भी ले सकते हैं एंड एंगल्ड ब्रश की मदद से आम जस्ट फिलिंग इन द गैप्स ऑफ माई आई ब्राउज नाई ना हो माई आई मेकअप आफ्टर एल वाइल पहले मैं अपनी लिपस्टिक लगा रही हूँ दिस इज़ फार्मेसी Rouge matte lipstick in shade 05. It's a very beautiful nude color. It gives a little creamy finish and it is very long lasting. Not like other creamy lipsticks, which just removes off easily, but it actually lasts on lips for a long time. It survives meals as well, buttery meals as well. So, after that, I'm just gonna start my eye makeup. यू जस्ट नीड एनी सॉफ्ट काजल फॉर टाइट लाइनिंग अप योर वाटर लाइन एंड लाइक योर अपर लैश लाइन एंड देन अपलाइंग सम काजल ऑन योर अपर लैस लाइन तो पूरी तरह से मैंने अपनी आंखों के आसपास काजल लगा लिया है बाहर की तरफ अंदर की तरफ एंड देन आईम स्मजिंग इट अप यूजिंग अ वेरी सॉफ्ट एंगल्ड आई शेडो ब्रश तो जिससे मैंने अपने आईब्रोज़ किए थे उसी से मैं कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट स्मोकिंग इट आउट अ लिटिल बिट हल्का सा इसको मैं स्मच कर दूँगी ब्रश से तो एक स्मोक्ड आउट लुक आ जाएगा देर विल बी नो हर्श इट इज़ एट ऑल एंड वी वॉन्ट अ वेरी सॉफ्ट आई मेकअप लुक सो फॉर दैट वी नीड टू ब्लेंड इट अप रियली नाइसली और हल्का सा विंग आउट करके भी मैं इसको साइड में ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगा कि आलिया का आंखों की साइड में भी थोड़ा ब्लैकिश सा जा रहा है एंड दैट एक्चुअली लुकड वेरी ब्यूटिफुल टू मी देन हुडा ब्यूटी टेक्स्चर पैलेट से मैंने मैट ब्लैक आई शेडूल लिया है आई थिंक इट्स ब्लैक ट्रफ़ल एंड अपने लोअर लैश लाइन पर जो काजल है उसको मैं स्मच कर रही हूँ उससे और ज़्यादा और स्मोक आउट कर रही हूँ ओके एंड देन आई एम अप्लाइंग द सेम ब्लैक मैट आई शेडो ऑन माई आई लेट्स एज वेल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड करके बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्वान्टिटीटी में जस्ट आई एम जस्ट अप्लाइंग वेरी लिल बिट हल्का सा स्मोकड लुक देने के लिए एंड पूरे आईलेट्स पर मैं इसको लगा लूँगी ऊपर की तरफ जाते जाते मैं और आई शेडो नहीं लूँगी जो मैंने नीचे की तरफ लगाया बस उसी को ऊपर की तरफ हल्का सा लगा लूँगी एंड दैट विल गिव मी अ स्मोकी मैट आई लुक एंड इसके बाद यहाँ पर आई एम जस्ट टेकिंग लिल ब्राउन शेड and i'm applying it on my transition line of my eyeshadow so that my black eyeshadow looks blended properly and uh, baki ke face ke a blended look hai. so that's the reason and then i'm taking the sandalwood shade which is a peachy nudie kind of shade and it is perfect for your transition line like इट इज़ सिंपली परफेक्ट इट इज़ द बेस्ट कलर आउट ऑफ द होल पैलेट एंड इससे मैं अपने आई शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ सॉफ्ट ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश एंड आई एम अप्लाइंग द ब्राउन शेड दैट सेम शेड ऑन माई लोअर लास्ट लाइन एज वेल ताकि वो भी थोड़ी सी स्मोक आउट हो जाए और थोड़ा सा अच्छा सा एक अमरे इफेक्ट आ जाए एंड देन आईम टेकिंग द स्विस ब्यूटी जेल काजल नाउ दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग द स्विस ब्यूटी सॉफ्ट काजल मैं जेल काजल ले रही हूँ सो दैट इट स्टेज ऑन प्लेस एज वेल एंड एंड जेल काजल को मैं अपनी अपर लाश लाइन पर लगा रही हूँ और हल्का सा मैं उसे विंग आउट कर रही हूँ बिल्कुल लाइटली वहीं पर लाइक अपर की साइड नहीं हल्का सा विंग आउट कर दिया मैंने और उसको मैं फिर सेम ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ और हल्का सा लोअर लैस लाइन की तरफ भी ले करके जा रही हूँ सो दैट मेरी आइज़ जो है वो बड़ी लगे और जो आ, स्मोकी ब्लैक इफेक्ट है वो थोड़ा सा आउटर वी की तरफ भी आ जाए और अब मस्कारा लगाना है तो मैं पहले अपने अपर लैशेस को ऊपर की साइड से मस्कारा लगा रही हूँ मेकअप फॉर एवर का ये और फिर मैं नीचे की तरफ से मस्कारा लगा रही हूँ और अच्छे से मुझे दो तीन कोट्स लगाने हैं बिकॉज आई एम नॉट बी आई एम नॉट बी अप्लाइंग एनी फॉल्स आई लैशेज़ टूडे सो इसलिए एंड देन मैं लोअर लैशेज़ पर भी मस्कारा लगा लूँगी बिक स्मोकी आई लुक है अगर लैशेज़ दिखाई नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सो वी रियली नीड टू अप्लाई सम मिस कह एंड फॉल साइज़ लैशेज़ लगा लो तो बेस्ट है बट ओवरऑल इतना मेकअप लुक भी बहुत ही प्रटी लग रहा है मुझे हम टोटली हैप्पी विद हाउ इट केम आउट मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था एक अच्छा सा कोल्ड आई मेकअप स्मोकी सा लुक करने का सो इट इज सिम्पली परफेक्ट एंड साथ के साथ अब आलिया भट्ट के आईज पर एक हल्का सा ग्लॉसी मेटालिक शेड था अगर आप जूम करके देखोगे तो पिक्चर्स तो मैंने यहाँ पर हल्का सा गोल्डन और हल्का सा कॉपर शेड लिया है मोर ओवर कॉपर ज़्यादा लिया टेकन द कॉपर मेटालिक शेड मोर एंड लिटिल लेस गोल्डन मेटालिक शेड फ्रॉम द सेम मार्स फॉर एवर न्यूड पैलेट एंड आई एम जस्ट कन अप्लाई इट ऑन माई आईलिड एरिया मेन आईलेड एरिया एंड सो दैट माई आई मेकअप लुक्स मेटालिक एंड ग्लॉसी ऑल्सो साथ, साथ के साथ आलिया के आइज़ में वो सेम कलर का ही हाईलाइटर भी मुझे दिख रहा था सो इट्स नॉट दैट वाइट काइंड ऑफ शेड ऑफ और हाईलाइटर यही कॉपर सा शेड का था एंड दैट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड अपने हाईलाइट को और इंटेंस करने के लिए मैंने सेम शेड में से जो गोल्ड शेड है उसको लिया है एंड इट जस्ट गेव मी दैट परफेक्ट गोल्डनिश काइंड ऑफ हाईलाइटेड ग्लो एंड आई एम रियली हैप्पी विदाउ इट लुक्स नाउ एंड देन आईव टेकन द ब्राउन मैट शेड एंड आई एम वर्किंग ऑन And my outer v of my आईलिट्स लाइक मुझे लगा कि थोड़ा सा और स्मोक आउट करने की ज़रूरत है और ट्रांजिशन लाइन पर भी मैं लगा रही हूँ सो दैट अच्छे से आई uh, मेकअप जो है वो डिफाइंड लगे ट्रांजिशन लाइन जो है वो डिफाइंड लगे एंड दैट इज़ द कम्पलीटेड लुक एंड आई लाइक इट आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट एंड इफ यू डू सो दैन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको भी ये मेकअप लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थम्सअप ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑल्सो प्लीज़ लीव अ ब्यूटिफुल कम comment for me i totally appreciate you guys comments and i totally appreciate all the likes and love you share upon me thank you so much for all of that and if in case you recreate this look then please share your picture with me i would love to see that thank you so much for watching i'll see you in my next video till then take care look gorgeous live healthy